नमस्ते तो एक प्रश्न है प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान ने हमारे यज्ञ की आहुति को स्वीकार कर लिया है हाउ विल बी नो दैट गॉड इज सेड येस्ट टू आर कॉन्सेंट्रेशन बड़ा अब भगवान की प्रॉब्लम क्या है भगवान ड्रामेटिक नहीं वो आके ऐसे थंडर नहीं होता है, पिक्चरों में कहते है, हाँ मैंने स्वीकार कर लिया भगवान थोड़े शर्मिले स्वभाव के हैं ऐसे इतने भी नहीं पर हैं थोड़े तो वो क्या करते हैं वो अपनी उपस्थिति कैसे पता चलती भगवान की भगवान अगर आ जाएंगे तो क्या होगा आपके हृदय में एक शांति राज्य करने लगेगी आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा होगा आपके अंदर ये श्रद्धा जाग जाएगी कि ये उचित है यही उचित है आपके अंदर भगवान की सेवा करने का कृत संकल्प बढ़ता चला जाएगा आपके जीवन में सब उल्टा पुलटा हो रहा है लेकिन आपके अंदर भाव यारा है तेरी तलवार के नीचे में नचिया करके तैया तैया मैंने तो नाचना है तेरी तलवार के नीचे काट दे बोटी बोटी कोई बात नहीं क्यों क्योंकि आपके अंदर सरेंडर बढ़ेगा भगवान सामने खड़े हैं बाहर की आंखें नहीं देख रही है पर आत्मा देख रही है तो वह आनंदमग्न हो रही है बाहर की चेतना नहीं देख पा रही हो तो कह रही है क्या कर रहे हो भगवान जंगल में भेज दिया आपने तेरे साल का बनवास दे दिया इतनी कठिन परिस्थितियां पर आपका हृदय कह रहा है बल्ले बल्ले <laughs> हृदय बड़ा आनंदित हो रहा है क्योंकि उसको स्पर्श महसूस हो रहा है तो भगवान जब स्वीकार करते हैं इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है योग का प्रारंभ वहां से होता है और ये कांटेक्ट अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों में डिक्लेयर करता है लेकिन इसकी कुछ कॉमन चीजें ये हैं कि आपके हृदय में एक शांति आपके हृदय में ये कन्विक्शन आना माता जी से किसी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि हमने सोल को पालिया है माने कहा जिस दिन तुम पालोगे तुम्हारे अंदर ये प्रश्न ही आएगा ना अब ये एक मेंटल लेवल पे बड़ा डिफिकल्ट लगता है बाद में उन्होंने ये भी बताया कि क्या तुम्हारे लक्षण होंगे लेकिन जब भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया है इस स्वीकृति का हमारे ही अंदर कहीं पर एक कन्विक्शन है कि भगवान ने स्वीकार कर लिया है बाहरी मन को ये चीज़ नहीं समझ आ सकती लेकिन वो डिक्लेयर करेगा आपने आपको हृदय के अंदर एक शांति एक श्रद्धा एक और देने की चाह क्यों भगवान ने लेना स्वीकार कर लिया तो भगवान जब शुरू करते हैं दो प्रकार के चिरण हुए ना एक तो जो दुशासन ने किया था भगवान ने आके उसको स्टॉप कर दिया और दूसरा जब भगवान स्वयं करते हैं तो गोपियों ने जब देना शुरू किया तो भगवान कहते हैं और, और और भगवान अब तो कुछ बचा नहीं है वस्त्र है अभी तुमने लज्जा का वस्त्र उड़ा हुआ है तो भगवान जब लेना स्वीकार कर देते हैं तो लेते ही चले जाते हैं क्यों क्योंकि तभी तो वो देंगे जब हमारे अंदर जब जगह ही नहीं रहेगी कुछ पाने की उनकी सो so, कंसेक्रेशन वो हमारा स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर देने का भाव जागृत होता है जब तक वो स्वीकार नहीं करते हैं तब तक वो नाइन टू फाइव का जॉब है हम आश्रम में या कहीं पर हम काम कर रहे हैं अब पता नहीं ठीक है अब यहाँ आ गए हैं काम कर रहे हैं मेंटली आपको पता है माता जी का काम कर रहे हैं लेकिन वो अंदर से नहीं आया अभी इसलिए फिर काम में हर तरह की चीज़ें होती लेकिन जब भाव आएगा कि मुझे माँ का काम करना है और माँ ने स्वीकार कर लिया तो आपको ये मन करेगा कि मेरी एक एक सांस पूरा दिन मेरा माँ की सेवा में रहे क्योंकि आपको उस सेवा का जो आनंद है सो ये सारे लक्षण अंदर में आएंगे जिसके द्वारा और और भी बहुत कुछ होगा बट ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है जब हम कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो उचित नहीं है तो अंदर ही एक इन, इसका इंडिकेशन आएगा वेलिंग होगी ये पूरी यात्रा है लेकिन पहला लक्षण ये होता है कि हृदय के अंदर और देने का भाव प्रगति का भाव कॉन्सक्रेशन के साथ जागृत होता है क्योंकि अग्नि जलने लगती है ना आपको कोई अगर प्रशंसा कर रहा है तो हाँ नहीं सब भगवान का लेकिन मन बड़ा खुश हो रहा है <laughs> <laughs> जब प्राण कन्वर्टेड हो जाता है तो उसको लगता है यार <laughs> बहुत बेबकूफ मत बना एक समय आता है जब आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ कर रहे हो ये सब कॉन्सक्रेशन के लक्षण है क्योंकि आपको पता है ये मेंटली पता नहीं है आपको अंदर में ये ब्लैंकनेस होती है यू आर डूइंग नथिंग ये अंदर की एक अवस्था है इसको आप मेंटली नहीं समझ ये मेंटली नहीं आएगा अंदर की चेतना में डिक्लेयर होगा कि ये तो कैसे हो रहा है कोई पूछे कैसे हो रहा है तो आप नहीं बता पाओगे बिकॉज ये पता है कि इट इज़ नॉट यू हु आर डूइंग एनीथिंग तो ये सारे लक्षण रिजल्ट कुछ भी हो समता रहेगी माँ ने कहा ना उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है हार्ट इज लाइट चीज़ें जो आपके डिज़ायर के अनुरूप हो रही हैं तब भी हार्ट लाइट नहीं होता है बाई दी वे जब डिज़ायर के अनुरूप होती है तो हार्ट को दूसरी समस्या हो जाती है आपको जो चाहिए थी सबसे कीमती ड्रेस वो मिल गई अब समस्या शुरू हुई है ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अगर आपने आसपास देख लिया कि वो दस तो इसने वो बाज़ार से चोर बाजार से ली वो ज़्यादा अच्छी लग रही है एप्रिसिएशन तो उसका हो रहा है तो आपका दिल खराब हो जाएगा फट जाएगी जरा सी उसमें कोई जरा सा रंग आ गया तो आपकी समस्या हो जाएगी डिज़ायर के सेल्फ के थ्रू जो खुशी मिलती है ना बड़ी बड़ी इसी ने उसको कहा इट इज़ वेरी ट्रांसियंट और उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है पा तो लिया आपने अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आप कैसे मेंटेन करोगे उसको सो so, इसलिए वेरेज जब हम भगवान को कोई चीज़ कंसेक्रेट करते हैं और भगवान स्वीकार तो हृदय हमेशा लाइट रहता है कोई चीज़ मिलती है तो आप आनंद से मोती मिला आपने उसको पहना बड़े खुश हो रहे हो और चला गया तो ये नहीं हो रहा हो मेरी मोती की माला चोरी हो गई ये नहीं आएगा आपके पास मन में भाव एक स्पॉन्टेनियस समता हृदय लाइट रहेगा सरकमस्टांसिस बदलेंगे तो वही सब चीज़ें हम देखते हैं 18 मार्च उन्नीस की प्रार्थना में हृदय शांत रहता है लाइट रहता है बोझ लेके हम नहीं घूमते हैं सिर के ऊपर सरकमस्टांसिस के प्रति हम नहीं चिंता करते हैं हमारा चिंतन होता है कि हम अपने अंदर कैसे कंसेंट्रेशन को बढ़ाएं ये हमारा भाव होने लगता है और और इत्यादि 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 <laughs> नमस्ते